have moved thousands of people each day by U.S. military aircraft and civilian charter flights. We've also been evacuating the citizens of our NATO allies and our partners, including their diplomats, their embassy staff, who remain in Afghanistan. अमेरिका ने अफगानिस्तान के साथ हुए सभी हथियार सौदों को रद्द कर दिया है। अमेरिका ने यह फैसला वहां पर तालिबान के कब्जे के बाद किया। इससे पहले अमेरिका ने अफगानिस्तान द्वारा विदेश में जमा किए गए धन की निकासी पर भी रोक लगा दी थी। और इतना ही नहीं, अमेरिका के कहने पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने भी अफगानिस्तान को मिलने वाली मदद की राशि को रद्द कर दिया या रोक दिया। हम आपको ये भी बता दें कि IMF से अफगानिस्तान को करीब 4,000 करोड़ की राशि मिलने वाली थी। वहीं अमेरिका ने विदेश में जमा जिस पैसे की निकासी पर रोक लगाई वो करीब 70,000 करोड़ रुपए हैं। इसके अलावा 50,000 करोड़ रुपए का सोना भी है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद ये राशि अब अफगानिस्तान को नहीं मिल सकेगी। जहां तक अमेरिका के इस ताजा फैसले का सवाल है, तो हम आपको ये भी बता दें कि जो बाइडेन प्रशासन की तरफ से इस संबंध में हथियार निर्माण करने वाली कंपनी और कॉन्ट्रैक्टर्स को भी नोटिस भेज दिया गया है। इस नोटिस को सैन्य मामलों के ब्यूरो ने भेजा है, जिसमें साफ कहा गया है कि अफगानिस्तान को बेची जाने वाली उन हथियारों को जिनकी डिलीवरी फिलहाल नहीं हुई है उन्हें फौरन रोक दिया जाए। इसमें इसका कारण अफगानिस्तान की बदलती स्थिति को बता दिया गया। इसमें कहा गया है कि पेंटागन सभी लंबित और जारी एक्सपोर्ट लाइसेंस की समीक्षा कर रहा है। अमेरिका ने हथियार कंपनियों को साफ साफ यह कह दिया है कि वो जब तक अगला आदेश उन्हें ना मिले, ना दिया जाए, तब तक कोई कदम ना उठाए, एक भी हथियार अफगानिस्तान या तालिबानियों को ना दे। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने उन अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स पर भी कब्जा जमा लिया है जो अफगान सेना के उपयोग के लिए वहां गए थे। इसके अलावा सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियों पर भी तालिबान ने कब्जा कर लिया है। और यहां पर कब्जे के बाद तालिबान को बड़ी मात्रा में शस्त्र भी हासिल हो गए। इनमें करीब 7,000 मशीन गन, 4,000 से अधिक हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज व्हीकल्स जिनको हवाई हमलों से बचने के लिए तैयार किया गया था, राइफल्स की लाखों गोलियां, हजारों हैंड ग्रेनेड्स, टैंक्स, रॉकेट लॉन्चर्स समेत स्कैन ईगल ड्रोन्स भी शामिल हैं। काबुल में खड़े सैकड़ों अमेरिकी सैन्य वाहनों पर भी तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, तालिबान को अफगान सेना के कर्मियों और खुफिया सूत्रों का पूरा डेटा भी मिल चुका है। उन्होंने बायोमेट्रिक डिवाइस को अपने कब्जे में ले लिया है और इसी में सारा ब्यौरा मौजूद है। इस तरह से तालिबान के पास हर उस जवान की जानकारी भी पहुंच गई है जिसके पास हथियार थे और जिसने तालिबान के खिलाफ हथियार उठाए थे, यानी कि अफगानी जवान की जानकारी भी। ऐसे में ये उन जवानों और उनके परिवारों के लिए काफ़ी ख़तरनाक सिद्ध हो सकता है। हम आपको ये भी बता दें कि धीरे धीरे अब सभी देशों के लोग अफगानिस्तान से निकल रहे हैं। अभी हाल ही में इन लोगों को एयरलिफ्ट मिशन के ज़रिए लाया गया। और इस मिशन को लेकर जो बाइडेन ने बताया कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से अब तक 13,000 से ज़्यादा लोगों को निकाल लिया है, जो कि इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल एयरलिफ्ट है। साथ ही जो बाइडेन ने वादा किया कि सभी अमेरिकियों समेत सभी अमेरिकी सैनिकों की मदद करने वाले 50,000 से 65,000 अफगान लोगों और अफगानिस्तान के सैनिकों को भी हम सुरक्षित निकाल लेंगे। लोगों को लाने का यह मिशन बेहद खतरनाक है, इसमें सेना को खतरा है। यह ऑपरेशन मुश्किल हालात में चल रहा है। आखिरी नतीजा क्या होगा मैं इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन कमांडर इन चीफ होने के नाते मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, इसमें हर संसाधन झोंके जाएंगे। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह भी माना है कि अफगानिस्तान से अमेरिकियों की वापसी में तालिबान कोई अड़ंगा नहीं डाल रहा है, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। साथ ही राष्ट्रपति ने यह दोहराया कि अमेरिकी नागरिकों पर अगर हमला होता है तो तालिबान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, यानी कि अमेरिका ने तालिबान को सख्त चेतावनी भी दे दी है। हमने तालिबान को स्पष्ट कर दिया है कि हमारी फौज पर किसी भी तरह के हमले या हवाई अड्डे पर ऑपरेशन में किसी भी तरह की बाधा से तुरंत सख्ती से निपटा जाएगा। हम किसी भी आतंकी हमले की आशंका पर करीब से निगाह रखे हुए हैं।